खराब है स्मार्ट मीटर। भारत सरकार के जो कंपनी है उसके द्वारा जांच के बाद ही लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को तार बहुत लंबा है। अब खुल करके माननीय मंत्री जी ने कहा है कि कोई सबूत है, ये NDA की ही सरकार है, जिसमें कोई गलत करेगा तो जेल में जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं News4 Nation, मैं आपके साथ अभिजय सिंह। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन भी देखा गया कि स्मार्ट मीटर को लेकर विपक्ष हैं जो लगातार सवाल खड़े कर रहे थे। और वहीं बात करें तो बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव से जब सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये भारत सरकार की कंपनी है, भारत सरकार से जाँच कर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। और जो कमेटी बनाने की बात कर रही है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोई कमेटी नहीं बनाई जाएगी। और बिहार के डिप्टी CM से भी जब सवाल किया गया तो क्या कुछ कहना है स्मार्ट मीटर को लेकर? EVM ठीक है, जहाँ हार जाते हैं वहाँ EVM गड़बड़ है, तो मशीन पर भी इन लोगों को संदेह है, इस पर क्या चर्चा कर रहे हैं? पूरा देश इसको अडॉप्ट कर रहा है बिहार के मॉडल को, अब 55 लाख लोगों के घर में लग चुका है। गड़बड़ी थोड़ी बहुत होती है, आप लोग भी न्यूज में कभी कभी कोई चीज मिस कर जाता है तो कोई करेक्ट किया। स्मार्ट मीटर के जांच की मांग हो रही है, किस बात को, किस बात की जाँच? स्मार्ट मीटर भारत सरकार के जो कंपनी है उसके द्वारा जाँच के बाद ही लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कुछ लोगों को मदद कर गलत गलत बात यही कारण लोग को भ्रष्ट ही दिखाई पड़ता है। कमेटी गठित होगा, कमेटी गठन की मांग कर रहे हैं। कोई कमेटी की जरूरत, कोई मुद्दा नहीं है। बिहार के अंदर विकास की गति बढ़ रही है, डबल इंजन की सरकार बिहार के जनता के विश्वास पर खरा उतर रही है। विपक्ष मुद्दा विहीन होकर सिर्फ तमाशा सदन को बनाना चाहते हैं, लेकिन सदन में सदस्यों के प्रश्नों का सकारात्मक जवाब से बिहार के जनता की विकास की गति बढ़ रही है। और विपक्ष हताश निराश है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहने के कारण वो भ्रम की वातावरण फैला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, प्रधान सचिव तक जेल में गए और ये तार बहुत लंबा है। अब खुल करके माननीय मंत्री जी ने कहा है कि कोई सबूत है, ये NDA की ही सरकार है, जिसमें कोई गलत करेगा तो जेल में जाएगा, प्रधान सचिव हो या कोई भी हो। लेकिन राजद के लोग सजायाफ्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, वो राजद की और कांग्रेस की कल्चर है। NDA के कल्चर में कितना हूँ बड़ा पद पर बैठा व्यक्ति जेल जाएगा। तो आपने सुना बिहार के डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा और ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव किस तरह से स्मार्ट मीटर को लेकर जो विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात बता रहे हैं, उसको लेकर साफ तौर पर कहते हुए जा रहे हैं कि उन लोगों को भ्रष्टाचार तो दिखेगा ही लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, भारत सरकार की कंपनी है, भारत सरकार है वो जाँच कर स्मार्ट मीटर है वो लगा रहे हैं। और वहीं बात करें तो जिस तरह से शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष हैं जो लगातार स्मार्ट मीटर हो या जमीन सर्वे हो कई मुद्दे को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहे थे। और वहीं बात करें तो शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन भी देखा गया कि जो विपक्ष हैं वो स्मार्ट मीटर को लेकर सदन को भी बायकॉट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं विजेंद्र यादव ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि कोई कमेटी है वो नहीं बनाई जाएगी। और विजय कुमार सिन्हा ने भी साफ तौर पर कहा है कि स्मार्ट मीटर में कोई गड़बड़ी नहीं है, जो भी गड़बड़ी है वो सरकार है वो देख रही है और सभी चीज़ों को सुलझाया जा रहा है। और वहीं बात करें तो EVM को सवाल जो जिस तरह से विपक्ष खड़े कर रहे हैं उसको लेकर भी विजेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा, आपने सुना। से तमाम खबरें News4 Nation के साथ, नमस्कार।